नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। जनपद मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र के गांव नगला जिसुक में भैंस चोरी की सूचना पर गई 112 नंबर की गाड़ी पर गांव के लोगों ने ही हमला कर दिया, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट कर अभद्रता कर दी। मामले पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी विछवा नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि रात्रि में हेड कांस्टेबल मूलचंद, कांस्टेबल कल्याण सिंह, होमगार्ड अनेक सिंह पीआरबी ड्यूटी पर काबिज है, जिसमें एक इवेंट आया जिस पर धीरेंद्र द्वारा सूचना दी गई कि हमारे गांव में भैंस चोरी हो गई है, तो पीआरबी गाड़ी गांव पहुंची, पुलिस वालों से पूछताछ ही कर रहे थे। साथ ही पड़ोस में एक जगह बारात भी आई थी, वहां से कुछ लोग एक होकर रुपेश पुत्र बेदराम, ब्रजेश पुत्र जीवाराम, मंजेश पुत्र रामधनी, उमेश पुत्र रामचरण, रामचंद्र पुत्र लोकमन, नगला जिसुक, साथ ही 4-5 अज्ञात लोग एक साथ होकर पुलिस से मारपीट एवं अभद्रता करने लगे। साथ ही पथराव कर दिया, जिसमें गाड़ी के शीशे टूट गए। मामले की सूचना पर पुलिस ने विभिन्न धारा के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने रुपेश, मंजेश, ब्रजेश निवासी का नगला जी सुख व एक व्यक्ति प्रकाश में आया, शेर सिंह पुत्र ओम प्रकाश निवासी देतपुर थाना बागवाला एटा गिरफ्तार किया गया। लोगों को लिखा पढ़ी कर जेल भेज दिया गया। बयानी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। सर, ये क्या मामला है पूरा? कल दिनांक 10/12/2020 को रात्रि करीब 1 बजे सूचना प्राप्त हुई थी, नगला जीसू के पास एक भैंस चोरी हो गई है। इस इवेंट पर हमारी पीआरबी मौके पर पहुंची तो कोहरा था, कुछ अंधेरा छाया हुआ था, वहां काफ़ी लोग जो है बराबर में बारात भी आई हुई थी, एकत्र थे, और उन्होंने कहा कि कहाँ उससे पूछताछ भैंस के बारे में जानकारी की, तो वो उत्तेजित हो गए। उन्होंने ऐसा नहीं कि यही समाहित हो, और उन्होंने हमारी पीआरबी पर पथराव किया और कर्मचारियों के साथ में अभद्रता की, सरकारी कार्य में बाधा डाला। उसके परिप्रेक्ष्य में 4 आदमियों की गिरफ्तारी की गई है और वैधानिक विधिक कार्रवाई करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।